हेलो एवरीवन वेलकम टू विज्ञान सरोवर आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का सेल बायोलॉजी में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट जिसमें हम लोग चैनल प्रोटीन एक्वापोरिन और क्लेम टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जो डिस्कशन की थी उसमें हमने बताया था कि ट्रांसपोर्ट मेकानिज़म कितने टाइप के होते हैं जैसा कि हमें पता है कि टू टाइप के ट्रांसपोर्ट में होते हैं एक मेडिएटेड और दूसरा होता है नॉन मेडिएटेड तो जो नॉन मेडिएटेड होता है उसको हम लोग इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सिंपल डिफ्यूज़न होता है और वो किस तरीके से काम करता है सिंपल डिफ्यूज़न में क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं नॉन जो नॉन मेडिएटेड नॉन मेडिएटेड में सिंपल डिफ्यूज़न और अगर हम मेडिएटेड की बात करें तो मेडिएटेड डिफ्यूज़न में आ, टू टाइप्स का होता है एक एक्टिव होता है और दूसरा पैसिव होता है तो एक्टिव और पैसिव डिफ्यूजन किस कैटेगरी में आता है मेडिएटेड में तो इसको मेडिएटेड क्यों कहा गया है इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हम लिपिड बाई की बात करें तो लिपिड बाई के हाइड्रोफोबिक इंटीरियर से कोई भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल परमिएबल नहीं होता है तो इसलिए अगर कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है तो वो तो लिपिड बाई से आ सकता है सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू जो जिस उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोफोबिसिटी होगी लेकिन अगर मॉलिक्यूल पोलर है या चार्ज है तो ऐसे केस में ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंड में एंटर करके क्रॉस नहीं कर सकता है तो इसलिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टर होते हैं वो चैनल्स हो सकते हैं कैरियर्स होते हो सकते हैं इसलिए क्योंकि प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है इसलिए इसको हम लोग मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं और मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट में अब हम लोग आज जो बात करने जा रहे हैं अगर हम पैसिव डिफ्यूजन की बात करें तो पैसिव का मतलब क्या होता है लाइक like, जैसे कि पैसिव डिफ्यूजन का मतलब ये है कि अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स कि हाई कॉन्सेंट्रेट अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस साइड में हाई कॉन्सेंट्रेशन द मेम्ब्रेन तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का फ्लो होगा तो उसको हम लोग पैसिव डिफ्यूजन बोलते हैं तो क्योंकि यहां पे एक्चुअली में जो प्रोटीन्स हैं वो क्या कर रही है फैसिलिटेट कर रही है डिफ्यूज़न को यहाँ पे पर्टिकुलर टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जिनको हम लोग फैसिलिटेटर कहते हैं और वो डिफ्यूज़न को फैसिलिटेट करते हैं इसलिए हम लोग इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न कहते हैं तो अगर हम लोग सिंपल डिफ्यूज़न की बात करें तो लाइक सिंपल डिफ्यूज़न फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न इज ऑल्सो अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन रेडियंट मीन्स कि जैसे हमने सिंपल डिफ्यूज़न में देखा कि मोलिक्यूल जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हाई है हाई से लो की तरफ आएंगे ठीक इसी तरीके से फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में भी होता है कि कॉन्सेंट्रेशन अगर एक तरफ प्लाज्मा मेम्रेन के हाई है तो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन आएगा तो यहाँ पर हम लोग कुछ देख सकते हैं कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है वो सेलेक्टिव पैसिव अक्कर अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन आएगा और ऐसे केस में क्या होता है एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है अगर हम लोग एंट्रोपी के सेंस में आ, बात करेंगे तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि डेल्टा जी मीन्स की फ्री एनर्जी चेंज जो होता है वो अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन हमारी क्या होती है स्पॉन्टेनियस होती है और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होती है तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होती है तो जहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव होती है उसका मतलब होता है कि एंट्रॉपी चेंज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और इस वजह से ये रिएक्शन फेवरेबल होती है तो मीन्स कि ऐसे रिएक्शन कैसे होते हैं ये एक्सरगोनिक प्रोसेस होते हैं इन रिएक्शंस को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है ये जहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन एकुमुलेट कर रहे हैं वहाँ पर ये एनर्जी को भी एकूमुलेट करेंगे तो इसलिए इन, इन इनको इसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसे रिएक्शन में जहाँ पैसिव डिफ्यूज़न होता है या अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूज़न हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है कि एंट्रोपी चेंज इंक्रीज़ होता है पॉजिटिव हो, साइड में जाएगा और एक्सरगोनिक मीन्स एक्सरगोनिक प्रोसेस होगा और ऐसे केस में जो डेल्टा जी होगी वो नेगेटिव होगी ये कैसे नेगेटिव होगी आप हमारा पिछला वीडियो फॉलो कर सकते हैं अब आ, तो यहाँ पे क्योंकि Uh, दो चीज़ें दो फैक्टर्स होते हैं एक तो कॉन्सेंट्रेशन जैसा कि सिंपल डिफ्यूजन में भी हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मींस कि क्योंकि फैसिलिटेटेड uh, जो सिंपल डिफ्यूजन था वहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल एंट्री कर पा रहे थे लेकिन चार्ज मॉलिक्यूल है तो उनके ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर चार्ज है तो वो भी एक फैक्टर होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में तो अब इसके बाद नेक्स्ट है द सच काइंड ऑफ मूवमेंट ज डिपेंड ऑन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, विच प्रोटीन चैनल्स एंड कैरियर और ये मॉलिक्यूल परमिट करते हैं पोलर और चार्ज मॉलिक्यूल को जैसे कि न्यूक्लियोसाइड अमाइनो एसिड कार्बोहाइड्रेट आयन, इस तरह के मॉलिक्यूल को ये परमिट कर सकते हैं अब इसके बाद पे देखिए दो ग्राफ बना हुआ है एक सिंपल डिफ्यूजन का बना है एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का बना हुआ है तो अगर हम लोग सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो यहां पे मेमब्रेन यहां पर डिफरेंस दिया गया है कि सपोज ये मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन के एक्रॉस क्या कॉन्सेंट्रेशन है हमारी सपोज हाई कॉन्सेंट्रेशन है और इस मेम्ब्रेन के इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन लो है हुँ? तो अब जिस ये डिफरेंसेस है तो जैसा मीन्स कि जितना डिफरेंस होगा डिफरेंस जब तक रहेगा तब तक ये सिंपल डिफ्यूज़न होता रहेगा तो यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोग देख रहे हैं सिंपल डिफ्यूजन में किस तरह से शो कर रहा है लीनियर मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ हाई है और दूसरी तरफ लो है तब तक ट्रांसपोर्ट लगातार होता रहेगा जब तक कि ये दोनों साइड में मोलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक ऐसा प्रोसेस होता रहेगा इसलिए ऐसे केस में हमें जो ग्राफ मिलता है वो लीनियर मिलता है ये सिंपल डिफ्यूजन का है लेकिन हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग एक खास अलग टाइप का ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कर्व शो हो रहा है हुँ? इसका मतलब क्या है कि सेम ग्राफ है रेट ऑफ़ ट्रांसपोर्ट और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस मीन्स कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन द दमब्रेन है उनमें जो डिफरेंस हो उसके अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट किया गया है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह का ग्राफ क्यों शो हो रहा है और एक टाइम के बाद ये अपनी मैक्सिमम विलोसिटी पे मीन्स कि मैक्सिमम रेट पर पहुँच जाता है रेट ऑफ़ ट्रांसपोर्ट तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो ट्रांसपोर्ट करने वाले मीन्स कि अगर ये मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन में ट्रांस ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है जो इसके अंदर प्रोटीन है मीन्स कि चाहे वो चैनल हो कैरियर हो तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कर रहा है अब मेम्ब्रेन अगर सिंपल कोई मेम्ब्रेन से कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही तो यहाँ पर कोई किस चीज़ फैसिलिटेट तो की नहीं जा रही यहाँ पर सिंपली कोई भी हाइड्रोफोबिक मोलिक्यूल तब तक आ रहा है जब तक कि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर नहीं हो जाएगा लेकिन जब कोई प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होगा और प्रोटीन के थ्रू किसी मॉलिक्यूल का ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन जा रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो भी मॉलिक्यूल, सपोज यहां पे कोई मॉलिक्यूल, यहां पे अगर जो फैसिलिटेटर हैं मींस की जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है अगर वो सभी प्रोटीन सभी जो प्रोटीन्स हैं वो एकोपाइड हो गई मोलिक्यूल से तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जितने भी फैसिलिटेटर हैं इनके पास कोई भी आ, वैकेंट जगह नहीं होगी और इससे क्या होगा कि फर्दर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई भी है फिर भी मोलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं मीन्स की एक एक, एक लेवल सेचुरेशन लेवल आ जाएगा मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा देखिए यहाँ पर एक टाइम के बाद इसलिए इस तरह का ग्राफ शो हो रहा है इसका मतलब क्या है कि फैसिलिटेटर सभी ऑक्यूपाइड हो गए हैं तो बस उसी रेट से ये ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे मीन्स कि ऐसा नहीं होगा कि लीनियरली ट्रांसपोर्ट होता जाएगा तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि अप्रोचेस मैक्सिमम रेट ऑल फैसिलिटेटर ऑकुपाइड जब ये अपने मैक्सिमम रेट पर पहुंचता है तो उस समय सभी जितने भी फैसिलिटेटर होते हैं वो सारे ऑकोपाइड हो जाते हैं मींस कि जब वो अपने मैक्सिमम अपने मैक्सिमम रेट पे मींस कि जैसे स्टार्टिंग में शुरू हुआ तो धीरे धीरे सारे मॉलिक्यूल आके फैसिलिटेटर से बाइंड हो रहे हैं और अक्रॉस द मेम्ब्रेन भेजे जा रहे हैं लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं चैनल हैं वो सारे एकोपाइड हो जाएंगे जब एकोपाइड हो जाएंगे तो तो एक पर्टिकुलर एक रेट से ही उससे ज़्यादा मैक्सिमम रेट नहीं हो सकता है ट्रांसपोर्ट का तो ये दोनों का फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और सिंपल डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है ये हमने बताया चाहे सिंपल डिफ्यूजन हो चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न हो दोनों ही कैसे होते हैं पैसिव डिफ्यूज़न होते हैं लेकिन सिंपल डिफ्यूज़न में किसी भी अदर मीन्स प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती कोई मीडिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसलिए इसको सिंपल डिफ्यूज़न कहा जाता है कॉन्सनट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है इसमें उस टाइप के मॉलिक्यूल क्रॉस करते हैं जो मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं पोलर होते हैं और चार्ज होते हैं और मेम्ब्रेन से कौन से मॉलिक्यूल जा सकते हैं जो कि नॉन पोलर होंगे या अनचार्ज मॉलिक्यूल होंगे स्मॉल साइज होंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल को फैसिलिटेट करने के लिए ये ट्रांसपोर्टर होते हैं और इस केस में लीनियर हमें ग्राफ मिलता है क्योंकि जब तक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ डिफरेंस है तब तक ये ट्रांसपोर्ट होता रहेगा इस केस में क्या होता है क्योंकि फैसिलिटेटर ऐसा प्रोसेस करवाते हैं तो एक टाइम के बाद ये अपने मैक्सिमम रेट पर पहुंच जाएंगे और इससे ज्यादा फिर वो मैक्स रेट नहीं हो सकता है ट्रांसपोर्ट का अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आप आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बताया है कि मेम्ब्रेन ट्रांसलोकेशन कितने तरह के होते हैं मीन्स कि क्या क्या टाइप्स होते हैं उनकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जैसे हमने ट्रांसपोर्ट अब इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स का है मेडिएटेड और नॉन मेडिएटेड फिर जो नॉन मेडिएटेड है वो फर्दर टू टाइप्स का है पैसिव और एक्टिव तो ये हमने बताया था प्रीवियस में अब यहाँ पर हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि जो प्रोटीन्स हैं जो कि मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं वो प्रोटीन कितने तरह के हो सकते हैं जैसे फर्स्ट यहाँ पे चैनल प्रोटीन लिखा हुआ है चैनल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं तो अब चैनल्स की थ्री कैटेगरीज हैं एक आयन चैनल्स होते हैं दूसरे पोर पोरस होते हैं और तीसरे होते हैं हमारे एक मिनट तीसरे होते हैं हमारे पोरिंस और थर्ड होते हैं वाटर चैनल अगर हम लोग आयन चैनल की बात करें तो आयन चैनल का कंसर्न अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो बेसिकली इनको आयन चैनल इसलिए कहते हैं स्पेसिफिकली दे आर कंसर्न विद इनऑर्गेनिक आयन ज़्यादातर आयन चैनल से कैसे आयस ट्रांसपोर्ट होते हैं इनऑर्गेनिक आयस ट्रांसपोर्ट होते हैं अब अगर हम लोग आयन चैनल्स की ही बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमें फोर टाइप के चैनल्स दिख रहे हैं आयोग चैनल्स पहले चैनल्स हैं वोल्टेज गेटेड चैनल दूसरे चैनल्स हैं लीगेंड गेटेड चैनल्स, तीसरे हैं सिग्नल और थर्ड सॉरी सेकेंड मैसेंजर गेटेड चैनल फोर्थ है मैकेनो फोर्स और सेंसिटिव चैनल तो हम लोग सबसे पहले वोल्टेज गेटेड चैनल की बात करें तो ये वो चैनल होते हैं जहाँ पे द मेम्ब्रेन चार्जेस डिफरेंसेस होते हैं और उसके अकॉर्डिंग मीन्स कॉन्सेंट्रेशन तो एक फैक्टर है उसके साथ साथ इनके बीच में जो चार्जेस डिफरेंस होते हैं मेम्ब्रेन में उसके अकॉर्डिंग ये चैनल ओपन और क्लोज होते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स हम लोग अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे तो इसका जो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोडियम आयन कैल्शियम आयन चैनल इस तरह के चैनल होते मान लीजिए कि ये कोई सेल है और इस सेल में जैसे कि कैल्शियम आयन चैनल या सोडियम आयन चैनल इस तरह के चैनल्स पाए जाते हैं अब अगर हम लोग लीगन गेटेड चैनल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एस्टिलकोलिन दिया है यहाँ पे हमने बताया कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए साथ में मेम्ब्रेन पोटेंशियल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है कि डिफरेंसेस क्या है मेम्ब्रेन के दोनों तरफ यहाँ पे क्या है कि एस्टिलकोलिन रिसेप्टर्स मीन्स कि एक मान लीजिए कोई सेल है और सेल के ऊपर ये रिसेप्टर है यहाँ पर कोई लीगेंड बाइंड करेगा एस्टिलकोलिन और ये न्यूरो की तरह जैसे कि आपको पता है कि एस्ट्रोकोलिन क्या होता है एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है और उसके इन्फ्लुएंस में जो भी चैनल्स या प्रोसेस ओपन चैनल्स ओपन या क्लोज होते हैं तो उसको हम लोग लीगेंड गेटेड चैनल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर लीगेंड ने रिसेप्टर से बाइंड किया है और तब वो चैनल ओपन हुआ है फिर इसके बाद अगर हम लोग थर्ड कैटेगरी की बात करें जिसको हम लोग सिग्नल और सेकंड मैसेंजर गेटेड चैनल कहते हैं तो इस टाइप के चैनल का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो क्लोराइड है और साथ में कैल्शियम आयन इन ईआर है क्लोराइड आयल चैनल या फिर कैल्शियम आयन इन ईआर। तो जैसा हमें पता है कि मान लीजिए ये सेल है और सेल के अंदर ये ईआर है हमें पता है ईआर में कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे मींस कि मान लीजिए कि मेमब्रेन में आई पी थ्री एक मीन्स की जो मेम्ब्रेन के फर्स्फोलेपेड होते हैं वो सिग्नलिंग uh, के ड्यूरेशन uh, में आई पी थ्री और डैग बनाते हैं ये आई पी थ्री सेकेंड मैसेन्जर की तरह यूज़ किया जाता है और ये सेकेंड मैसेंजर क्या करता है कि जो इंडोप्लाज्मिक uh, रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन uh, में जो चैनल होता है कैल्शियम आयन चैनल उसको ओपन कर देता है तो ये क्या हो गया कि ये आईपी थ्री एक सेकेंड मैसेंजर है इसके थ्रू ये चैनल खुल रहा है इसलिए इसको बोला जाता है सिग्नल और सेकेंड मैसेंजर गेटेड चैनल तो अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा इसके बाद नेक्स्ट होता है मिकैनो ऑब्लिक फोर्स सेंसिटिव चैनल इस चैनल को हम लोग क्या कहते हैं ये होता है इस इस चैनल में तीन चीजें होती हैं मतलब कि तीन मैकेनिकल फोर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से चैनल ओपन और क्लोज होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाहे प्रेशर सेंसिटिव चैनल हो हीट सेंसिटिव चैनल हो स्ट्रेस सेंसिटिव चैनल हो मीन्स कि मेम्रेन पे कोई प्रेशर हो या फिर हीट का दिया जाए या फिर कोई स्ट्रेचिंग हो जिसकी वजह से ये चैनल्स ओपन और क्लोज होते हैं तो ये आपको चैनल्स में आपने फर्स्ट कैटेगरी आयन चैनल की का हम लोगों ने डिस्कशन किया और इस आयन चैनल्स में ये फोर कैटेगरीज थी जो हम लोगों ने देखा कि वोल्टेज गेटेड चैनल का जो एग्जाम्पल है वो सोडियम आयन चैनल या कैल्शियम आयन चैनल है लीगन गेटेड चैनल को हम लोग एस्टलकोलिन रिसेप्टर या चैनल बोलते हैं जहाँ पे इसको हम लोग दूसरा इसका नाम है निकोटेनिक एस्ट्रिकोलिन चैनल फिर इसके बाद थर्ड कैटेगरी है सिग्नल और सेकंड मैसेंजर गेटेड चैनल क्लोराइड कैल्शियम आयन चैनल इन ईआर है फिर इसके बाद फोर्थ है मैकेनो फोर सेंसिटिव चैनल प्रेशर हीट सेंसिटिव चैनल हो गया हुँ? इसके बाद अभी आ, अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी पोरिन की बात करते हैं हु? तो ये पोरिनस जो होते हैं एक्चुअली में ये एक तरीके से लार्ज साइज के नॉन स्पेसिफिक पोर होते हैं लार्ज एंड नॉन स्पेसिफिक पोर पोर और ज़्यादातर ये पोर जो पाए जाते हैं ये माल जो बैक्टीरिया होती है उसकी आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं या फिर क्लोरोप्लास्ट माइक्रोकोंडिया इनके आउटर मेम्ब्रेन में इस तरह के पोर पाए जाते हैं और ये पोर अलाउ कर सकते हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल की एंट्री को बट वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो जो सॉल्यूट एंट्री ले रहे हैं उनका जो साइज़ होना चाहिए मॉलिकुलर वेट जो होना चाहिए वो सिक्स डाल्टन का होना चाहिए तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि पोर एक मीन्स uh, की एक टाइप के साइज़ uh, इनके बड़े होते हैं मीन्स जैसे सपोज आयन चैनल्स हैं इन चैनल से इनके साइज़ बड़े होंगे नॉन स्पेसिफिक पोर्स होते हैं कोई ऐसा नहीं कि स्पेसिफिसिटी शो कर रहे हैं कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ही जा सकते हैं और ऐसे पोर्स पाए जाते हैं जैसे बैक्टीरिया है क्लोरोप्लास्ट है या माइट्रोकॉन्डियो इनके आउटर मेम्ब्रेन में और ये अलाउ uh, कर सकते हैं हाइड्रोफिलिक सोल्यूड को लेकिन उनका जो साइज़ है वो सिक्स डाल्टन का होना चाहिए अब इसके बाद हम लोग तो ये हमारे ये पोरिंस था इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है वाटर चैनल तो ये चैनल्स की थर्ड कैटेगरी है वाटर चैनल वाटर चैनल में टू टाइप के चैनल आते हैं एक एक्वापोरिन चैनल और दूसरे ग्लिसरोपोरिन तो अभी हम लोग जैसे मान लीजिए नॉर्मली तो मेम्ब्रेन से वाटर डिफ्यूज कर सकता है जैसा हमने पढ़ा है कि मेम्ब्रेन से वाटर डिफ्यूज कर सकता है लेकिन डिफ्यूजन जो हो रहा है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू तो वो तो बहुत स्लो प्रोसेस होगा लेकिन कोई कोई सेल्स एनिमल्स में ऐसी होगी जहाँ पे या प्लांट में जहाँ पे एक्सेस वाटर की ज़रूरत होगी मान लीजिए जैसे किडनी के ट्यूब्यूल सेल्स हैं क्योंकि वहाँ फिल्ट्रेशन होता है या फिर प्लांट के रूट हैं वहाँ पर वाटर की ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ पे परमीबिलिटी वाटर की हाई होनी चाहिए तो ऐसे केस में क्या होता है वहाँ पे एक्वापोरिन होते हैं और ये एक्वापोरिन फैसिलिटेट करते हैं वाटर को इसलिए इनको वाटर चैनल बोला जाता है फिर ग्लिसरोपोरिन ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल की एंट्री कर सकते हैं या कुछ और भी मॉलिक्यूल है जैसे यूरिया या एनो इस टाइप के मॉलिक्यूल भी एंट्री ले सकते हैं तो अभी हम लोग वाटर चैनल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअली में ये क्या होते हैं तो ये ओवरऑल चैनल के बारे में डिस्कशन थी इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं जो कि ट्रांसपोर्टर पम्प्स या परमीजेस बोलते हैं ये टू टाइप्स के हैं इसमें भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो जो पैसिव होता है उसमें यूनिपोर्टर आते हैं जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज एरेथ्रोसाइड सेल में ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनि ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम लोग डिटेल में कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू टाइप के होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वो किस तरह से वर्क करते हैं उनका क्या फंक्शन होता है वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बाद कुछ थर्ड टाइप के कुछ और प्रोटीन होते हैं जिनको हम लोग ग्रुप ट्रांसलोकेटर बोलते हैं ये मोलिक ये जो प्रोटीन्स होते हैं मेनली ये अमाइनो एसिड को ट्रांसलोकेशन करने में हेल्प करते हैं यूकैरियोट्स में और लेकिन प्रोलिन को ये ट्रांसलोकेट नहीं कर सकते मीन्स कि सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड को ट्रांसलोकेशन किया जा सकता है लेकिन प्रोलिन को छोड़ के इसके बाद अगर हम लोग शुगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में शुगर का ट्रांसलोकेशन कौन करता है ये ग्रुप ट्रांसलोकेटर करते हैं तो ये बेसिकली थ्री टाइप के प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप के मोलिक्यूल्स को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अब सबसे पहले हम लोग चैनल प्रोटीन पे आते हैं चैनल प्रोटीन की बात करते हैं तो चैनल प्रोटीन एक्चुअली में क्या होते हैं कि ये ओपन पोर होते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन मीन्स कि मीन्स कि पूरा जैसे सपोज ये मेम्ब्रेन है तो ये मेम्ब्रेन में एक तरीके का ओपन चैनल बनाते हैं थ्रो द मेम्ब्रेन पूरे मेम्ब्रेन में तो इसलिए और ये चैनल्स कैसे होते हैं हाइड्रोफिलिक चैनल थ्रू द मेम्ब्रेन हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं मींस कि इसका इंटीरियर साइड हाइड्रोफिलिक होता है तभी यहाँ से पोलर मॉलिक्यूल इजिली आ सकते हैं और पोलर मॉलिक्यूल को ये सोल्यूट को पास कर सकते हैं चैनल शोज लेस स्टीरियो स्पेसिफिसिटी देन कैरियर हमने अभी कैरियर का डिस्कशन तो नहीं किया है बट हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेंशन करेंगे कि जो कै यहाँ पे चैनल्स को कैरियर से कंपेयर किया जा रहा है तो चैनल्स जो होते हैं उनकी लेस स्टीरियो स्पेसिफिसिटी होती है कैरियर से क्योंकि कैरियर मोलिक्यूल में पर्टिकुलर वहाँ पे स्पेसिफिक टाइप की बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होती है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की बाइंड के लिए या अटैचमेंट के लिए कंफर्मेशन चेंज जो होता है उसकी वजह से तो बट चैनल्स में क्या होता है चैनल्स थोड़ा सा लेस स्टीरियो स्पेसिफिसिटी शो करते हैं एंड आर यूजली नॉन सचुरेबल क्योंकि कैरियर में कुछ साइट्स होती हैं जहाँ पे पर्टिकुलर मोलिकूल बाइंड कर जाते हैं तो वो सचरेबल हो जाते हैं लेकिन ये जो होते हैं चैनल्स क्या होते हैं यहाँ पे ये नॉन सचरेबल होते हैं क्योंकि ये एक तरीके से ओपन पोर होते हैं मोस्ट ऑफ द चैनल्स आइधर ओपन और क्लोज ज़्यादातर जो चैनल्स होते हैं वो ओपन या क्लोज फॉर में रहते हैं इसलिए हम लोग ऐसे चैनल्स को बोलते हैं गेटेड और यहाँ पे हायर रेट होता है मीन की ट्रांस ट्रांसपोर्ट का रेट चैनल में हाई होता है कैरियर के कंपैरिजन में तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कैरियर और चैनल में क्या डिफरेंस भी होता है तो चैनल प्रोटीन क्या होते हैं उनमें ट्रांसपोर्ट रेट हाई होता है कैरियर से और इसके एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है आइन चैनल पोरिन और एक्वापोरिन अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग आयन चैनल के बारे में डिस्कस करते हैं आयन चैनल स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक आयन के लिए होते हैं मींस कि इनका कंसर्न इनऑर्गेनिक आयन से होता है हाईली सेलेक्टिव मींस कि ऐसा नहीं है कि हाईली सेलेक्टिव का मतलब कि सपोज चैनल्स होते हैं जैसा आपने सुना होगा कैल्शियम आयन चैनल सोडियम आयन चैनल पोटेशियम आयन चैनल तो ऐसा क्यों है क्योंकि देखिए जैसे सपोज ये भी मोनोवेलेंट है ये भी मोनोवेलेंट है तो एक ही चैनल से क्यों नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि

मीन्स की जैसा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं जैसा हमने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो एक क्रॉस मीन्स अलॉन्ग द ग्रेडियंट होता है ऐसा नहीं होता है कि और जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उस तरफ ये अपना मूवमेंट शो कर सकते हैं तो इस तरीके से इनको बाई डायरेक्शनल बोला जाता है डू नॉट यूजली स्टे ओपन फॉर लॉन्ग पीरियड मीन्स कि ये चैनल्स ऐसा नहीं है कि परमानेंटली ओपन होते हैं मीन्स कि ये चैनल्स और बहुत लंबे समय तक भी ओपन नहीं रह सकते बस एक ड्यूरेशन के लिए ओपन होते हैं और फिर जब ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो फिर से ये वापस क्लोज हो जाते हैं ज्यादातर जो आयन चैनल्स होते हैं वो गेटेड होते हैं इसके बाद जो चैनल आयन चैनल्स है उसमें फोर कैटेगरीज हैं सबसे पहला वोल्टेज गेटेड चैनल है तो वोल्टेज गेटेड चैनल में आप देख सकते हैं कि दे आर ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू मेमब्रेन आयनिक डिफरेंसेस मींस कि जो भी मेमब्रेन है उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं आयनिक uh, उसके डिफरेंसेस uh, के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं जैसा अभी हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको नेक्स्ट uh, बताएंगे तो वहां पे हम इसके बारे में अच्छे से uh, और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि, कि किस तरीके से ये चैनल ओपन और क्लोज होते हैं तो जैसे कि यहाँ पे देखिए सोडियम आयन चैनल इन नर्व सेल तो आयनिक डिफरेंसेस की वजह से ये चैनल ओपन और क्लोज होते हैं कॉन्ट्रेशन तो एक फैक्टर है उसके साथ साथ आयनिक डिफरेंसेस भी है कि मेम्ब्रेन के एक्रॉस क्या चार्ज है और मेम्ब्रेन के बाहर क्या चार्ज है उसके अकॉर्डिंग ये चैनल ओपन होंगे और पर्टिकुलर आयन को ट्रांसपोर्ट करेंगे इसका एग्जाम्पल जैसे सोडियम आयन चैनल इन नर्व सेल्स में है इसके बाद सेकेंड कैटेगरी जो हमारी है वो है लीगन गेटेड चैनल तो लीगन गेटेड चैनल में जैसे हमने ऑलरेडी बताया सेल के ऊपर कोई रिसेप्टर है और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर लीगन बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं ये रिसेप्टर पर्टिकुलर चैनल को मीन की एक्टिवेट करते हैं और इस तरह से वो चैनल खुल जाता है तो ओपन इन टू बाइंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सेंट एग्जाम्पल फिर थर्ड कैटेगरी सिग्नल सिग्नल और मेसेंजर तो और मैसेंजर मैसेंजर गेटेड गेटेड तो में हमने पहला आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया कि ये क्या है ये सेल है हमारा ये इंडो रेटिकुलम है हमें पता है इंडो रेटिकुलम में कैल्शियम आयन क्या होते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन होते हैं अब यहां पर यह चैनल किसी पर्टिकुलर सिग्नल की वजह से

रिस्पॉन्स किसके रिस्पॉन्स में करते हैं जो भी एक्स्ट्रा सेलर सिग्नल मिलता है उसके रिस्पॉन्स में ये ओपन होते हैं तो जैसा सेल सेल कम्युनिकेशन में या सेल सेल इंटरेक्शन में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है फिर नेक्स्ट कैटेगरी है मैकेनो सेंसिटिव मैकेनो मीन्स मैकेनिकल फोर्स से इसको डिनोट करते हैं मीन्स रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल फोर्स जो कि मेम्ब्रेन पर एक्ट होता है इस तरह का फोर्स वो फोर्स हो सकता है स्ट्रेच कोई मीन्स की उस तरह के चैनल्स क्या होते हैं या तो स्ट्रेस सेंसिटिव चैनल होते हैं प्रेशर सेंसिटिव चैनल होते हैं या हीट सेंसिटिव चैनल होते हैं तो इन सब ये सब उनके उन चैनल्स में सेंसिटिविटी होती है तो अगर पर्टिकुलर फोर्स लगाया गया तो वो चैनल ओपन हो जाएंगे तो ये फोर टाइप के चैनल्स आयन चैनल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया अब नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्वापोरिन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्वापोरिन क्या हैं वाटर चैनल हैं और ये वाटर चैनल प्लांट और एनिमल दोनों में ही पाए जाते हैं ये वा, वाटर चैनल का काम क्या है वाटर को फैसिलिटेट करना तो इसीलिए इनको बोला जाता है एक्वापोरिन जिसको हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं ए क्यू पी से हुँ? अब इसके बाद अगर एक्वापोरिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्वापोरिन होमोटेट्रामर होते हैं मीन्स की टेट्रामर यूनिट से मिलके बना होता है फोर मोनोमर से मिलकर बना होता है और वो सभी मीन्स मोनोमर एक जैसे होते हैं और जो ईच मोनोमर हैविंग सिक्स मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिकल डोमेन मीन्स कि ईच मतलब कि जो चारों ही मोनोमर होते हैं उनके पास सिक्स मेम्ब्रेन पासिंग अल्फ़ा हेलिकल डोमेन होता है जैसा कि हमें पता है कि जब कोई भी मेम्ब्रेन ट्रांस मेम्ब्रेन होती है तो उसके पास क्या होता है अल्फा हेलिकल डोमेन पाया जाता है स्ट्रक्चर होता है तभी वो ट्रांस मेम्ब्रेन मीन्स कर पाती है मेम्ब्रेन में जा पाती है तो अब यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं और ये जो जितने भी आपको चार मोनोमर हैं इनके पास सिक्स अल्फ़ा हेलिकल डोमेन है और साथ में ये हर मोनोमर एक एक चैनल बनाता है और इस तरीके से ये एक वाटर चैनल का फॉर्मेशन करते हैं तो सभी मीनस कि एक एक पोर बनाता है मीन्स कि आप जैसे मान लीजिए कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा मीन्स कि ये एक इसने चैनल मींस जो वाटर चैनल है वो फोर मोनोमर से है और हर फोर मोनोमर एक एक पोर का फॉर्मेशन कर रहा है और वाटर चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है और जब ये ट्रांस मेम्ब्रेन जो अल्फ़ा हेलिकल है जब ये मेम्ब्रेन में मीन्स एंट्री लेती है तो मान लीजिए कि ये अमाइनो ग्रुप है इसका जैसे मैं पता है किसी भी पॉलीपेप्टाइड का एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल होता है तो इसका एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों ही टर्मिनल साइटोसोलिक फेस में होते हैं और उनके पास पर्टिकुलर एक हाइड्रोफोबिक लूप होता है यहाँ पे देखिए टू लूप दिख रहा है टू हाइड्रोफोबिक लूप पाए जाते हैं जो कि हाईली कंजर्व मोटिव उनके पास होते हैं जो बना होता है एस्पेराजीन प्रोलिन एलिन में ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा सीक्वेंस पाया जाता है तो यहाँ पे एनपीए सीक्वेंस उसको बोलते हैं एस्पेराजीन प्रोलिन एलिन तो अभी आपको जो वाटर चैनल या एक्वापोरिन होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ गया होगा कि ये होमोटेट्रामर होते हैं चार मोनोमर से मिलकर बने होते हैं चारों ही मोनोमर के पास एक सिक्स मेम्ब्रेन स्पेनिंग हेल्फ एल्फा हेलिकल डोमेन होता है जो जब ये मेम्ब्रेन में स्पैन करता है तो इसका एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों साइटोसोल की तरफ ओरिएंट होते हैं और इनके पास दो हाइड्रोफोबिक लूप्स पाए जाते हैं जिनमें कंजर्व सीक्वेंस होते हैं एस्पेराजीन प्रोलिन और एलिनिन और सभी मोनोमर एक एक पोर का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरीके से वाटर चैनल पूरा बन जाता है ये वाटर चैनल जो होते हैं इनसे वाटर बहुत फास्ट फ्लो होता है क्योंकि देखिए क्या होता है कि वाटर तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आ सकता है लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होंगे जहाँ पे वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए तो वहां पे वाटर चैनल फैसिलिटेट करते हैं ज़्यादा वाटर को तो ऐसे केस में जो वाटर चैनल होते हैं वो फास्ट वाटर फ्लो को फैसिलिटेट करते हैं मींस कि थ्री बिलियन मॉलिक्यूल पर सेकेंड मीन्स मूवमेंट होता है फैसिलिटेट करते कि, आ, कि

के एलेवन तक तो ये सब एक्वापोरिन एक्चुअली में जैसे डिस्कवरी हुई उसी के अकॉर्डिंग इनके नाम रख दिए गए हैं तो इसलिए इनका कोई बहुत स्पेसिफिक ये नहीं है कि वन टू थ्री क्यों है वॉटर को इफ्लक्स भी कर सकते हैं इनफ्लक्स भी कर सकते हैं लेकिन कंडीशन क्या है ऑस्मोटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग मीन्स की सेल के अंदर ऑस्मोटिक कंडीशन क्या है सोल्यूट का इन्वायरमेंट क्या है कैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ये वॉटर को इफ्लक्स या इनफ्लक्स करेंगे अब इसके बाद अगर हम लोग एक्वापोरिन में एक्वापोरिन थ्री और एक्वापोरिन सेवन और टेन की बात करें तो इनको हम लोग ग्लिसरो एक्वापोरिन कहते हैं ये क्या होते हैं ग्लिसरो एक्वापोरिन होते हैं जो कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं और साथ में कुछ और भी मॉलिक्यूल की एंट्री में हेल्प करते हैं जैसे कि अमोनिया हाइड्रोजन परऑक्साइड एनो और यूरिया ग्लाइसिन इन मॉलिक्यूल को भी ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं तो ये एक्वापोरिन होते हैं बट अभी एक्वापोरिन में भी इनका स्पेसिफिक रोल के बारे में हम लोग को जानना है तो एक्वापोरिन कहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं एक्वापोरिन किडनी के ट्यूब्यूल सेल्स में प्रोमिनेंट होते हैं हुँ? और वो एक्वापोरिन का कौन सा टाइप होता है ए क्यू पी टू मतलब कि एक्वापोरिन टू जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किडनी ट्यूब्यूल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं जैसा हमें पता है कि किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो वहाँ पर वाटर को आ, कैसे रिटेन किया जाए और वापस मीन्स की वाटर से डिहाइड्रेशन ना होने पाए तो वाटर रिटेंशन करना बहुत जरूरी है और उस वाटर रिटेंशन के लिए क्या होता है कि कुछ हार्मोन होते हैं जैसे कि एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन तो एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन का काम क्या है कि ये रेगुलेट करता है वाटर रिटेंशन को हूं? ये रेगुलेट कैसे कर पाता है एडीएच हॉर्मोन रेगुलेट करता है वाटर रिटेंशन को किस तरीके से ये मोबिलाइज करता है ए क्यू पी टू को मीन एक्वापोरिन टू को जो कि मेम्ब्रेन में स्टोर होते हैं कहने का मतलब यह है कि ये एक वेस्किल है और इस वेस्किल के ऊपर ये एक्वापोरिन इस तरह से हैं अभी इनका कोई काम नहीं फिर ट्यूबवेल की एपिथेलियल सेल सपोज है और यहाँ पे ही वाटर को रिटेन करना है कि वापस ब्लड में रीऑब्जॉर्व किया जाए फिल्ट्रेशन के थ्रू वाटर वापस बॉडी में रिटेन हो जाए तो अब ए क्या करता है ए डी एच वाटर रिटेंशन को आ, कैसे रेगुलेट कर पाता है ये क्या करता है ए डी एच ये जो एक्वापोरिन मेम्ब्रेन वेसिकल्स पे हैं, ये वेसिकल्स पे एक्वापोरिन हैं। इन ए क्यू P2 को क्या करने में इन एक यू पी को इसमें फ्यूज़ करा देता है अब वाटर चैनल यहाँ पे मेमब्रेन में आ गए अब ये क्या करेंगे इस तरह से यहाँ परमिबिलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी वाटर की और इस तरह से मोर वाटर रीऑब्जॉर्व फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट एंड रिटर्न टू द ब्लड और इस तरह से ब्लड में मीन्स uh, पूरा रिटेंशन होगा ब्लड uh, वॉटर का नहीं तो वाटर डिहाइड्रेशन हो सकता है अगर ए डी एस ड्रॉप कर गया अभी कुछ ऐसी ज़रूरत की वाटर को इतना रिटेन करने की जरूरत नहीं है ए डी एस ड्रॉप करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो एक यू पी टू यहाँ पे ये यहाँ पे अटैच हुए थे फ्यूज़ हुए थे वो फ्यूजन फिर से क्या हो जाएंगे ये एक्वापोरिन रिसिक्वेस्टर्ड हो जाएंगे वेसिकल्स में वापस वेसिकल्स में आ जाएंगे और फिर रिड्यूसिंग वाटर रिटेंशन तो इस तरीके से जब वाटर को रिटेन करना होता है तो उस केस में एडीएच वेसिकल्स में जो एक्वापोरिन होते हैं उनको मेम्ब्रेन में फ्यूज़ करा देता है और अगर एडीएस ड्रॉप कर गया तो जो एक्यू इसमें ऑलरेडी फ्यूज थे उनको वापस रिसिक्वेस्टेड कर देगा मेम्ब्रेन में हो जाएंगे और इस तरीके से वाटर रिटेंशन रिड्यूस हो जाएगा तो ये मेकेनिज्म होता है एक्वापोरिन किस तरीके से एंटी हार्मोन हॉर्मोन से रेगुलेट होता है अब एक डिजीज होती है जिसका नाम है कॉन्जेनाइटल नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो जो कॉन्जेनाइटल नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जिसको हम लोग शॉर्ट में एनडीआई कहते हैं ये एक्चुअली में ये डिजीज रेयर होती है बट ये कैसी डिजीज होती है ये होती है इनहेरिटेड इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है हम्म इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं तो इस ऐसे पर्सन में जिनमें कि ये डिजीज़ होता है उन पर्सन में क्या हो जाता है उन पर्सनस में एक्वापोरिन चैनल का म्यूटेशन हो जाता है और ऐसे केस में वो लार्ज अमाउंट में एक्सक्रीट करते हैं यूरिन को क्योंकि किडनी रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है वैसोप्रेसिन को अब वैसोप्रेसिन क्या है वैसोप्रेसिन है एक, एक एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन ये जो एंटी डायबिटिक हॉर्मोन है मीन्स कि वैसोप्रेसिन क्या करेगा वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता है कैसे ये वेस्कल्स पे जो भी एक्वापोरिन मॉलिक्यूल हैं उनको एपिथील सेल्स में फ्यूज़ करा देगा और वाटर की परमिबिलिटी बढ़ जाएगी और वाटर रिटेन रह पाएगा लेकिन अगर एक्वापोरिन ही म्यूटेटेड हैं एक्वापोरिन बॉडी में वेस्कल्स के फॉर्म में है ही नहीं तो वैसोप्रेसिन होने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा वाटर रिटेन नहीं हो

वाटर बॉडी में रिटेन नहीं रह पाता है क्योंकि जो एडीएच हॉर्मोन है वो उसका काम क्या है एडीएच हॉर्मोन जो वेस्कल्स में एक्वापोरिन होते हैं उनको मेम्ब्रेन में फ्यूज़ करा के परमिबिलिटी बढ़ा देता है वाटर की लेकिन जब एक्वापोरिन म्यूटेटेड होते हैं वेस्कल्स के फॉर्म में भी नहीं है तो मेम्ब्रेन में एक्वापोरिन फ्यूज नहीं हो पाते होते ही नहीं है तो वैसोप्रेसिन कुछ कर ही नहीं पाता है तो वाटर क्या होता है बॉडी में रिटेन नहीं हो पाता है और डिहाइड्रेशन हो जाता है अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग पैच क्लेम टेक्निक की बात करते हैं ये टेक्निक एक्चुअली में दो साइंटिस्ट जिनका नाम था ई नेहर ई नेहर एंड दूसरे साइंटिस्ट थे बी सैकमैन बी सैकमैन इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर इसकी डिस्कवरी की थी और इनको इस काम के लिए 1991 में नोबेल प्राइज भी मिला था तो ये टेक्निक एक्चुअली में होता क्या है इसका नाम क्या है पैच क्लैम टेक्निक क्लैम पैच का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर कोई भी पीस या एरिया जो कि पैची मीन्स पैच का फॉर्मेशन करे मीन्स एक पर्टिकुलर एक, एक स्ट्रक्चर हो मान लीजिए इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हो तो उसको हम लोग पैच बोलते हैं इसके बाद फिर क्लैम का मतलब क्या होता है कोई ऐसी चीज जो कि एनी थिंग विच होल्ड टू थिंग्स टूगेदर वेरी टाइटली कोई ऐसी चीज़ जिसने किसी चीज़ को बहुत तेजी से होल्ड करके रखा है तो उसको क्लैम बोलते हैं और टेक्निक मीन्स आप समझते हैं तो पैच क्लैम टेक्निक में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पैच को बहुत तेजी से पकड़ के रखा गया होगा ये इसका सेंस निकल रहा है अब हम लोग इस टेक्निक के बारे में जान लेते हैं मान लीजिए ये एक सेल है और इस सेल में ये क्या है बेसिकली ये जो टेक्निक होती है वो क्या करने के लिए स्टडी करने के लिए होती है आयन चैनल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैच क्लाइम टेक्निक आयन चैनल्स की प्रॉपर्टी को या आयन चैनल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है अब इस टेक्निक में होता क्या है कि मान लीजिए ये एक सेल है और इस सेल में ये जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं ये आयन चैनल्स हैं अब एक पिपेट लिया जाता है उस पिपेट में एक होल होता है ग्लास पिपेट होता है उसमें एक होल होता है एक पर्टिकुलर टाइप का पिपेट होता है उसमें एक होल होता है और उसको यहाँ पे एक टाइनी एरिया यहां पे सेलेक्ट किया जाता है छोटा सा एरिया लिया जाता है जिसमें कि एक आयन चैनल है और वहां पे इसको होल्ड करा दिया जाता है होल्ड करने के बाद यहां पे एक सक्शन अप्लाई किया जाता है मीन्स के एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा और फिर इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बहुत ही टाइट सीलिंग हो जाएगी अब इस टाइट सीलिंग की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आयन चैनल होगा बाकी इधर से जो भी आयन का करेंट या जो भी पास हो रहा है वो यहाँ पे इसमें इस मेम्ब्रेन इस की टाइट सीलिंग की वजह से इस पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा अब ये तो हो गया फिर इसके बाद अब ये डिवाइस से क्या किया किया जाता है दिस डिवाइस टू मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड टू मेजर द करंट फ्लो मेम्ब्रेन एट द टिप ऑफ पैच इलेक्ट्रोड इस डिवाइस के थ्रू एक वोल्टेज को मींस कि इस पूरी सर्किट में वोल्टेज को तो मेंटेन किया जाता है लेकिन यहाँ पे जो ये एक पर्टिकुलर पैच बना है इसको पैच बोलेंगे ये देखिए यहाँ पे क्या मेम्ब्रेन इसमें पिपेट के अंदर चली गई है तो ये एक पैच का फॉर्मेशन हुआ है और इस पैच के अंदर जो भी इस आयन चैनल की वजह से जो वोल्टेज पास हो रहा है उसको मीन्स uh, उसको देखना उसको उस करंट फ्लो को रिकॉग्नाइज करना इसी के थ्रू पता करते हैं कि आयन एक पर्टिकुलर सिंगल आयन चैनल से क्या किस तरह के आयन्स का मीन्स uh, मूवमेंट हो रहा है या क्या चीज़ें हो रही हैं hmm, क्या रेगुलेशन मेकेनिज्म है क्या कंडक्टेंस है वो जानने के लिए तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि क्या किया जाता है एक सेल है सेल में ये सारे चैनल्स हैं एक ग्लास पिपेट लिया जाता है जिसके मीन्स के एंड में एक होल होता है उस ग्लास पिपेट को एक टाइनी एरिया पे रखा जाता है पीछे से सक्शन क्रिएट किया जाता है और जब सक्शन क्रिएट किया जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा कि बहुत टाइट सीलिंग हो जाएगी और यहाँ पर एक सिंगल जो आयन चैनल है वो यहाँ पे आ जाएगा और अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक एम्पलीफायर लगाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर लगाया जाता है और उस ये जो यह, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है कि इलेक्ट्रोड है हुँ? जिसको इसी इलेक्ट्रोड से एक आयनिक एम्पलीफायर लगा दिया जाएगा और उससे हम लोग करंट में जो भी चेंजेस होंगे उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं द पैच इलेक्ट्रोड फिल्ड विथ कंडक्टिंग सॉल्ट यहाँ पे कंडक्टिंग सॉल्ट भर दिया जाता है हाँ अब अगर इस मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को मेंटेन करना क्योंकि भाई यहाँ से तो कनेक्शन खत्म है बट ये मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को अगर मेंटेन करना है तो वो हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रॉन को ऐड करके या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके उसको मेंटेन किया जा सकता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और ये इंट्रा इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दिया जाता है और इस इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लीफायर कनेक्ट कर दिया जाता है पिपेट से से मीन्स कि ये इस तरह यहाँ पे इसका कनेक्शन होगा और इससे हम लोग इसको रीड कर सकेंगे कि यहाँ पे जो भी क्योंकि अब इस पिपेट में जो भी करंट पास होगा वो कैसा करंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस आ, इस पर्टिकुलर चैनल का होगा क्योंकि यहाँ से ये टाइट सीलिंग है तो यहाँ से तो करंट जाएगा नहीं तो जो भी आयन पासेज होंगे पास करेंगे यहाँ पे पीपेट में उससे हम लोग ये जान लेंगे अब इस यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए नो आयन फ्लो बिटवीन मेम्ब्रेन एंड पिपेट ड्यू टू टाइट सीलिंग ओनली फ्लो बाय चैनल सिंगल एंड पिपेट तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इतनी टाइट सीलिंग हो गई है कि यहाँ से और यहाँ से कोई भी मीन्स uh, की यहाँ पे आयंस का फ्लो नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ जिस जो इस चैनल में जो भी आयन का फ्लो होगा उसी को हम लोग देखते हैं और जो ये पैच इसी को पैच बोला जाता है क्लैम क्यों क्योंकि ये पिपेट ने इसको टाइटली होल्ड करके रखा है इसलिए इसको क्लैम बोला जाता है और इस तरह से हम लोग सिंगल आयन चैनल का पूरा फंक्शन देख सकते हैं जो ये पैच बनता है ये दो तरह का बन सकता है एक आउटसाइड जिसको बोलते हैं आउटसाइड आउट पैच और दूसरा होता है इनसाइड आउट पैच तो अगर हम लोग इन साइड आउट पैच की बात करें तो ये यही पैच है इन साइड आउट पैच मीन्स कि यहाँ पे इस तरह से ये इन साइड आउट पैच हो गया और अगर हम लोग आ, दूसरे टाइप की बात करें तो वो कुछ इस तरीके का पैच बनेगा हुँ? और ये भी होता है कि एक तो हम लोग इस टेक्निक के थ्रू मैम ये सेल में ही हम लोग देख रहे हैं और ऐसा भी देख सकते हैं कि इस पूरे एक सिंगल आयन चैनल को इस पिपेट के थ्रू पूरा हटा दिया जाए और उससे भी हम लोग इस टेक्निक से देख सकते हैं तो इवन सेल में भी देख सकते हैं या फिर हम लोग एक पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर चैनल को ही हम लोग रिमूव कर सकते हैं इस पिपेट के थ्रू और उससे भी हम लोग उसका कंडक्टेंस देख सकते हैं अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अभी आपको समझ में आ गया कि पैच क्लेम टेक्निक किसके लिए होता है आयन चैनल की में जो फंक्शन होता है उसको रीड करने के लिए उसको देखने के लिए और यहाँ पे ग्लास पिपेट होता है उस पिपेट को टाइट सील कर दिया जाता है सिंगल आयन चैनल इस पिपेट में आ जाता है और जो भी कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग एम्पलीफायर से रीड कर लेते हैं अब इसके बाद पैच क्लैंप टेक्निक में कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं जैसे कि लिखा है इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आयन एक्रॉस द पैच ऑफ मेम्ब्रेन क्वांटिफाइड फ्रॉम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नीडेड टू मेंटेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट पर्टिकुलर क्लैंप वैल्यू मीन्स की जो पर्टिकुलर क्लाइम वैल्यू है अगर हम लोगों को उस चैनल में जो भी करंट मीन्स कि उस पर्टिकुलर जो भी पैच बना है उस पैच वैल्यू में अगर हमें करंट को देखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो आयन का मीन्स कि जैसे सपोज कि ये क्लैम था तो यहाँ पे चैनल्स थे तो जो भी आयन्स हैं वो आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है या इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है जिधर भी हो रहा है सेल के उसको उसको अगर हमें क्वांटिफाई करना हो तो हम लोग उसमें मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिक करंट जो भी नीड होगी इसको पास करने के लिए उस इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम लोग ये आ, मेंटेन कर सकते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और उसी जो इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत है उसी से हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आयन के जो आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन किधर जा रहा है हुँ? पैच क्लैम परमिट द मेजरमेंट ऑफ आयन मूवमेंट थ्रू द सिंगल चैनल इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट ओपनिंग क्लोजिंग रेगुलेशन एंड आयन कंडक्टेंस ऑफ सिंगल आयन चैनल मीन्स कि ये क्या करता है पैच क्लैम मेजरमेंट आयन चैनल्स में जो भी आयन्स का मूवमेंट है उनको देखने में हेल्प करता है और इस तरीके से हम लोग आयन चैनल का जो ओपनिंग का प्रोसेस है क्लोजिंग का प्रोसेस है या उसमें क्या रेगुलेशन है आयन कंडक्टेंस है वो सभी हम लोग सिंगल आयन चैनल में ऑब्जर्व कर सकते हैं to pres preserve the electro neutrality and to keep the membrane potential constant the entry of each positive ion

या सोडियम आयन अंदर आ रहा है दोनों चीजें मीन्स हो सकती हैं तो अगर टू प्रिजर्व द अगर हमें न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है हा एंड कीप द मेम्ब्रेन पोटेंशियल कॉन्सटेंट जो भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसको कॉन्स्टेंट करना है और जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल अपने मीन्स uh, की अपने नेचुरल प्रोसेस उसमें होता है तो क्या होता है मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा और बाहर क्या होता है पॉजिटिव होता है द एंट्री ऑफ पॉजिटिव आयन इन टू सेल थ्रू द चैनल इन पैच बैलेंस बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि यहां पे एक चैनल है और इसमें सोडियम आयन इस चैनल से अंदर आ रहा है तो सोडियम आयन अंदर आएगा तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फिर इस नेगेटिव चार्ज को डिसबैलेंस हो जाएगा तो इस नेगेटिव चार्ज जो डिसबैलेंस हुआ है और अगर हमें मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी पे रखना है जैसा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वैसे ही रखना है तो हम क्या करें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर दें क्योंकि तो जब ये एक ये पॉजिटिव आयन आया और एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो गया तो जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा मेंटेन रहेगा तो इस तरीके से हम लोग ये न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करके देख सकते हैं अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो भी आयन चैनल्स होते हैं या चैनल्स होते हैं उनके कुछ मीन्स uh, uh, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि उन आयन चैनल्स को इनिबिट करते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन uh, करेंगे आगे तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल लिखा हुआ है टेरेटोटॉक्सिन यहाँ पे लिखा हुआ है टेरेटोटॉक्सिन टेरेटोटॉक्सिन क्या होता है पैरालिटिक देखिए यहाँ पे लिखा है पैरालिटिक पॉइजन है ये uh, मतलब कि uh, इसमें बहुत ज़्यादा uh, पोटेंशियल Pot, uh, होता है बेसिकली ब्लॉक करने का जैसे कि ये कहाँ uh, मान लीजिए ये पैरालिटिक पॉइजन अगर ब्लॉक करेगा किसको ब्लॉक करेगा सोडियम आयन चैनल को और ये सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक करता है जैसे कि ये चैनल्स स्किन uh, में हैं या फिर किडनी में हैं ओवरी में है इस तरह के चैनल्स को यह ब्लॉक कर देता है इंटेस्टाइन में तो ये बेसिकली क्या करेगा कि पैरालिसिस क्रिएट करता करता है किसके थ्रू ब्लॉक कर देता है सोडियम आयन चैनल को और ये आ, जो सोडियम आयन चैनल होता है वो एक एक और केमिकल होता है जिसका नाम सेक्सी टॉक्सिन होता है जो कि आ, एक मराइन एल्गी डाइनोफ्लैजलेट से मिलता है डाइनोफ्लैजलेट से ये आ, मतलब आइसोलेट किया जाता है और ये दोनों ही क्या होते हैं मतलब कि चाहे टेरटोटॉक्सिन हो या सेक्सी टॉक्सिन हो दोनों ही क्या है न्यूरोटॉक्सिन होते हैं और इस तरीके से ये क्या कर देते हैं पैरालिसिस क्रिएट कर देते हैं और इनके पास जो ये सेक्सी सेक्सीटॉक्सिन है इसके पास क्या होता है कैटाइनिकुनोडिनो ग्रुप होता है तो क्योंकि कैटाइनिक ग्रुप है तो इसीलिए ये क्या करता है सोडियम आयन चैनल पे आ, को ब्लॉक कर देता है इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है बेट्रिकोटॉक्सिन बेट्रिकोटॉक्सिन ये क्या है एक स्ट्रोइड होता है ये स्ट्रोइड एल्कोलाइड होता है स्ट्रोइ एल्कोलाइड ये सिक्रीट होता है फ्रॉग से ये फ्रॉग नॉर्मल फ्रॉग नहीं होते हैं ये बेसिकली इस फ्रॉग का नाम होता है फाइलोबेट फाइलोबेट यहाँ पे लिख देते हैं फाइलोबेट फ्रॉग होता है जो कि पॉइजनस फ्रॉग होता है और इसीलिए ये फ्रॉग्स इस वेनम को सिक्रीट करते हैं बेट्रोटॉक्सिन को और ये बाइंड करता है वोल्टेज सोडियम आयन चैनल पे बाय मेकिंग हाईली परमेबल एग्जोनि एक्जोन मेम्ब्रेन ये क्या कर देता है जैसे यहाँ पे जस्ट अपोजिट है कि यहाँ पे ये यह ब्लॉक कर रहा था यहाँ पे हाईली परमिएबल कर देगा सोडियम आयन चैनल को तो इस तरीके से ये अफेक्ट करता है या फिर अगर हम लोग आ, दूसरा जो सेकेंड कुछ और भी केमिकल्स हैं जैसे कि एक मंबा स्नेक होता है जिसके पास डेंट्रोटॉक्सिन पाया जाता है केमिकल डेंट्रोटॉक्सिन De ये जो डेंट्रोटॉक्सिन होता है ये इनबिट करता है पोटेशियम आयन चैनल को तो ये बेसिकली आपको सब याद ही करने पड़ेंगे कि टेरेटोटॉक्सिन क्या करता है ब्लॉक करता है सोडियम आयन चैनल को बेट्रोटॉक्सिन क्या करता है बेट्रोटॉक्सिन सोडियम आयन चैनल की परमिबिलिटी को मीन्स इन्हांस कर देता है और डेंट्रोटॉक्सिन क्या करता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल को में इंटरफेरेंस या ब्लॉकेज कर देता है और कुछ और केमिकल्स हैं जैसे ट्यूबा क्यूरेराइन आ, और इसके बाद आ, ये स्नेक्स के वेनम से मिलते हैं जैसे कोबरा टॉक्सिन एल्फा बंगरो टॉक्सिन टॉक्सिन ये ब्लॉक करते हैं एस्टिलकोलिन को ये क्या है एक न्यूरो है इस तरीके से ये रिसेप्टर को प्रिवेंट कर देगा और चैनल की ओपनिंग नहीं हो पाएगी इसके साथ कुछ और टॉक्सिन है जैसे इरोबिटॉक्सिन सक्सनलकोलिन ये केमिकल्स हैं जो कि इंटरफेयर करते हैं एस्टिलकोलिन रिसेप्टर से तो आपको बेसिकली क्या समझना है कि टेरेटोटॉक्सिन सेक्सीटॉक्सिन क्या करते हैं सोडियम आयन चैनल को ब्लॉक करते हैं जो कि न्यूरोटॉक्सिन हैं बेट्रोटॉक्सिन क्या करता है जो एक फ्रॉग मीन्स पॉइजनस फ्रॉग से मिलता है ये सोडियम आयन चैनल को हाईली परमिएबल बना देता है डेंट्रोटॉक्सिन क्या कर देता है डेंट्रोटॉक्सिन पोटेशियम आयन चैनल को वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आइन चैनल को इंटरफेरेंस करता है आ, फिर इसके बाद ट्यूबाक्वेराइन कोबरा टॉक्सिन या फिर अल्फा एल्फा बंगेरोक्सिन सक्सन कोलिन ये सारे केमिकल्स या जो भी ये टॉक्सिन हैं ये सब रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक को एंड करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कैरियर्स के बारे में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे ओके थैंक यू वेरी मच अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू वेरी मच